ये हाय एवरीवन। सो या आई वाज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू ट्रिप। उससे पहले क्या है कि कुछ प्रिपरेशन करनी होती है। एंड व्हाट आई कंसीडर इन प्रिपरेशन हैज़ द थ्री लेवल। फर्स्ट इज़ योर सेल्फ, टेक अ प्रॉपर रेस्ट, नैप एंड अपना फिजिकल हेल्थ जरूरी है देखना। सेकेंड लेवल इज़ योर लगेज, वॉट यू वॉन्ट टू कैरी, वॉट यू विल यूज़ देयर, ओनली नेसेसरी थिंग यू नीड टू टेक इट। एंड थर्ड इज़ योर कन्वीनियंट, योर व्हीकल। इफ़ यू आर गोइंग बाई बाइक देन यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट एवरीथिंग, है ना? या या हाय एवरीवन। तो हम हो गए हैं रेडी, थोड़ा सा फाइनल टच देना बाकी है तो वो कर लेते हैं, थोड़ा सा बातें करते हैं। तो आज क्या है कि आज फिर से मैं निकल पड़ा हूँ एक सफ़र में। तो प्लान ऐसा है कि ठीक है, आज ना थोड़ा आराम से निकला हूँ। जहाँ जाना है वो ज़्यादा दूर नहीं है और ऐसा कुछ भागम भाग नहीं है कि जाना है वापस आना है या ऐसा कुछ करना है, तो इसलिए ज़्यादा जल्दी सुबह मैं निकला नहीं। ऐसा कुछ पंगा नहीं है कि सनराइज़ देखना है या कुछ। अच्छा है, सो आई एम स्टार्टिंग लिटिल बिट लेट, इट्स अराउंड 8 o'clock राइट नाउ एंड द प्लेस आई एम गोइंग इज़ रियली ब्यूटीफुल। सो या दैट्स इट। अच्छा हाँ, तो ये जो व्लॉग है, दिस व्लॉग इज़ लिटिल बिट डिफरेंट। सो डिफरेंट इन द सेंस कि इसमें आपको बाइक राइडिंग के व्यूज़ नहीं मिलेंगे और मे बी वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा डाउन रहे, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट हैविंग पुनीत का कैमरा, फोकस मी, ओके, पुनीत का कैमरा, गोप्रो नहीं है मेरे पास में, तो थोड़ा चीज़ें इधर उधर रहेंगी, बट या इट विल बी फाइन। एंड या हो गए तैयार, लगभग लगभग सब कुछ रेडी है, बस ग्लव्स पहनने और जैकेट पहनने है। माई फेवरेट जैकेट HRX। ठीक है, मैं डेस्टिनेशन सर्च करता हूँ, मेरे को थोड़ा बैंगलोर के सिटी के अंदर का मैप देखना है, बाकी उसके बाद मैं फ़ोन होल्डर पे फिर से लगा दूंगा, बाद सिटी से बाहर निकल के, है ना? तो सी यू मे बी इन द वे कहीं पे, अगर रुक के ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ अच्छी जगह मिलती है वहाँ मिलते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली क्या बोलते हैं उसका नाम, हाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ नाम नहीं बताना था। ओके सी यू। फाइनल प्लेस पे पहुंच गया हूँ, पर ये 100 मीटर रह गया है। इस 100 मीटर के लिए मेरे समझ नहीं आ रहा मैं ये स्टीप चढ़ाई चढ़ूँ या ना चढ़ूँ। ऑफ रोडिंग अभी तक का भी काफ़ी ख़तरनाक एक्सपीरियंस रहा, तगड़ा तगड़ा ऑफ रोड था। चढ़ने के लिए चढ़ जाना चाहिए, नीचे आधे टाइम पे कल थोड़ा दिक्कत हो सकती है। सी लेट्स ट्राई इट, इतना आ ही गए तो फिर ट्राई करने में क्या है ना। तो जय माता दी, लेट्स रॉक। लास्ट टाइम अभी यहाँ पे लास्ट जो ऑफ रोडिंग बचा था उसको चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, बट नो इट्स टू डिफिकल्ट, आई एम सो मच टायर्ड। आधी रास्ता आधा के थोड़ा सा 10% आया होगा, उसके बाद मैं वापस लेके गया बड़ी मुश्किल से। इट फॉल डाउन 2 times, अकेले राइड करना और उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। Now we have reached to the destination. So, अपना सामान और बाकी, दिस इज अ व्यू, वहाँ पे कैंप करेंगे। इतना देख के समझ ही गए होंगे ये कैंपिंग के लिए है सब सामान, वहाँ पे कैंप करेंगे, सोलो कैंप करेंगे। थोड़ा आराम करता हूँ, थोड़ा सांस लेता हूँ,
खाते हैं पीते हैं फिर सोचते हैं क्या कर रहे हैं। ये साइड सही लग रही है मुझे कैंपिंग के लिए, यहाँ पे करेंगे कुछ ताकि ये अपना ओपन एरिया बालकनी बन जाए है ना। यहाँ पे जंगल तो है, ये पीछे यहाँ से जंगल शुरू हो गया है, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा प्रॉब्लम। वहाँ ऊपर जा पाते ना, वहाँ कैंप करना था यार, बट वहाँ पहुँचना एक लाइक अभी थकान लगी है बहुत और ज़्यादा हिम्मत नहीं है, इतना भारी सामान भी नहीं लेके जाने वाला मैं। सो यहीं पे फाइनलाइज करते हैं। अब ये सोचना है कि कैमरा कैसे माउंट करा जाए, क्योंकि मेरे पे ट्राईपॉड नहीं है, कुछ नहीं है। चलो देखते हैं। ओके तो ये हो गया हमारा कैंप सेटअप। बारिश भी आने लग गई थी इसलिए मैंने जल्दी जल्दी किया। वीडियो मैंने टाइम लैप्स बनाया है, पता नहीं कैसे आया होगा, डोंट नो, बट या सो हियर इज़ माय कैंप। आज इसको असली खुशी मिल रही है इसको लगाने के बाद, एंड सी कैंप से व्यू। This world behind, so live a life you will remember. It's really awesome. मैंने अच्छा नहीं गाया उसके लिए नहीं बोल रहा, इट्स रियली ऑसम मीन्स ओए होए क्या लगी नशा यार। चलो कैंप के अंदर का सेटअप करते हैं फिर मिलते हैं। आके बहुत थक गया था मैं, तो टेंट लगाने के बाद थोड़ा सो गया था, तो अभी बातें करी जाए कुछ। अच्छा ठीक है, बातें करने से पहले एक दिखा लेता हूँ। अंकल आए थे जो ऊपर जा रहे हैं, इधर लोकल आइट एंड सेड सो डोंट स्टे हेयर, इट्स अ फॉरेस्ट एरिया प्लस द एलिफेंट्स मे कम एंड ऑल, सो ही वाज सेइंग समथिंग लाइक दैट। What a place, man. So, here is a tent. In the way, what a view! What a view! देखते हैं night. Okay, तो बातें क्या है, मतलब कि अभी camping कर ली है, आज रात यहीं stay करते हैं, कल मॉर्निंग में फिर देखते हैं, कल दिन में निकल लेंगे अगर ऐसा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं तो। अदरवाइज अगर कोई मॉर्निंग में आके बोलता है कि चलो भाई जाओ निकलो यहाँ से, तो निकल लेंगे। इट्स गेटिंग बेटर, इवन बेटर ठंडा। हाय 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 हाय, पर जो बादल जा रहे हैं ना, क्या ही बोलूँ उसका। ओके इनसाइड कैंप का व्यू दिखाएं। ये कैंप है एंड इनसाइड व्यू इज समथिंग लाइक दिस। तो ये दो स्लीपिंग बैग है मेरे पे, एक नीचे बिछाने के लिए, एक ऊपर बिछाने के लिए, फोल्ड भी होता है, स्लीपिंग भी होता है, पूरा स्लीपिंग बैग जैसा बनता है। अब इसको पूरा खोल के ब्लैंकेट जैसा कर दिया,
वहाँ पे मेरा जैकेट वगैरह है, यहाँ पे खाने का मेरा ये किचन है, किचन में क्या क्या है देखो, ओह शिट, खाने का सामान है और ये सब है, बाकी लाइट्स वगैरह अंदर रखी हुई है, वाटर बॉटल है, सब कुछ है। एंड ये मेरी बालकनी, सेम बालकनी और ये व्यू। स्ट्रगल देख रहे हो, वो पानी का बॉटल देखा ना, ये उस पर टेप लगा के, फोन लगा के फिर मैं फोटो खींच रहा हूँ अपने यहाँ पे टेंट पे आके, उधर टाइमर सेट करके, रियल स्ट्रगल। ट्राइपॉड नहीं है, दूसरा बंदा नहीं है फोन फोटो खींचने के लिए। तो ऐसी है, देखता हूँ मैं अभी, फोटो मैंने देखी नहीं कैसी आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पूरी नाइट कैंप करके, वो रहा अपना कैंप है ना, और अब ये व्यू है, माना क्लाउड उतने डेंस नहीं है बट जो भी है जैसा भी है, अपने में एक बेस्ट मोमेंट है। टडा, ओके तो ये वीडियो माँ के लिए है। माँ, मैंने अभी अभी यूट्यूब देखना शुरू किया है, मेरा चैनल मतलब सब्सक्राइब तो नहीं किया होगा, मैं क्या करता हूँ कि मैसेज के थ्रू चैनल वीडियो शेयर करता हूँ, मम्मी जस्ट लिंक दबाती है और ओपन करके देखने लगती, उससे ज़्यादा मम्मी को चलाना आता है नहीं, घर जाऊँगा सिखाऊँगा। बट मम्मी ये टेंट लिया था मैंने। ओके तो यही है, मम्मी सोच रही थी कि एक बड़ा टेंट आता है उसमें वो हवा भर के और वो अपना भी इन्फ्लेट हो जाता है, मतलब उसको फुला के वो टेंट लगाता है, तो वो नहीं है इसलिए दिखाने के लिए। तो ये ब्लॉग शायद यहीं ख़त्म करेंगे, ये कुछ ऐड करेंगे, देखते हैं अगर कुछ ऐड करना हुआ तो, ऐसे मोस्ट प्रोबेबली यहीं ख़त्म करेंगे और थोड़ी देर में ये समेटते हैं सब कुछ, देखो सनराइज वहाँ से हो रहा है, हाँ तो थोड़ी देर में ये सब समेट के फिर निकलते हैं घर को। सोचा था 2 दिन का ट्रिप करेंगे बट आई फील कि 1 डे इज इनफ, लॉन्ग ट्रिप कभी और। जितने डाउनलोड करके लाए थे सीजन सारे ख़त्म हो गए। कोटा फैक्ट्री 2 देखा, जर्सी देखी कल रात को, बस मजा नहीं लाइफ। देखो लोग मूवी देखने के लिए थिएटर जाते हैं, कई लोग घर पे थिएटर बनाते हैं, अरे फिर आते हैं हम जैसे थोड़ा खिसके हुए लोग, सीजन देखने के लिए मूवी देखने के लिए पहाड़ों में कैंपिंग करने चले जाते हैं। ओके जोक्स अपार्ट, तो क्या है कि जरूरी था ये सोलो ट्रिप, ये सोलो कैंपिंग थोड़ा ज़रूरी था, चाहिए था ये, मतलब ऐसा होता ना कि बॉडी में जैसे विटामिन होते हैं तो हर टाइप का विटामिन आपको चाहिए एक क्वांटिटी में,
फिक्स्ड क्वांटिटी में वो कम से कम होना चाहिए। तो यही मेरी विटामिन बाइक राइडिंग, विटामिन पहाड़ हिल्स, विटामिन कैंपिंग एंड विटामिन हैशटैग मी टाइम। ओके सो हे एवरीवन, वी हैव पैक्ड अप एवरीथिंग एंड वी बॉट द स्टफ फ्रॉम देयर टू हियर। आई एम लिटिल बिट टायर्ड सो टेकिंग सम ब्रीथ। या इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल प्लेस। एंड या सकलेशपुर होसाहली शूटिंग पॉइंट, आई विल पिन डाउन द लोकेशन इन दैट डिस्क्रिप्शन। सो व्हाट टू से अबाउट, ओके सो डेफिनेटली आई विल कम बैक टू दिस प्लेस, मे बी अलोन, मे बी विथ फ्रेंड्स, और सून, मे बी लेटर आएंगे, शायद रुकेंगे या निकल लेंगे, कैंप करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, बट एट दिस मोमेंट आई रियली लिव्ड इट। इट वॉज अनदर एक्सपीरियंस, सोलो कैंपिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स गुड। या सो गुड, हैव इट, हैव फन। सो क्या बोलूँ मैं, ओके एक अभी गाना चल रहा था मेरा, मैंने फ़ोन अभी वीडियो पे किया तो गाना बंद हो गया। तो सॉन्ग इज गढ़वाली सॉन्ग है, ओनली सिंगल लाइन इज दस, ये जवानी का दिन चोरी सदन इन राणा है, मीन्स दिस एज, यंग एज विल नॉट लास्ट लॉन्ग, ओके इट विल नॉट बी फॉर ऑलवेज। तो गाने में मतलब दूसरे सेंस में है, बट यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब ये है कि द एनर्जी, द पावर यू आर हैविंग एट दिस एज, यू विल नॉट हैव इट टुमारो, ओके वंस यू एंटर योर मिड एज 30, 35, 40, यू हैव योर ऑन एनर्जी इज डाइवर्सिफाइड, ओके सो इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स योर फैमिली, योर किड्स, योर जॉब, योर फ्यूचर, यू वॉन्ट टू सिक्योर द फ्यूचर एंड फ्यूचर, सो मैनी थिंग्स विल बी देयर। वट आई वॉन्ट टू से इज, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू डू इट राइट नाउ, ओके अभी क्या है, आप खुद के मालिक हैं। कल को बच्चे होंगे, वाइफ फैमिली, तो क्या होता है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, आप बहुत चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। अभी क्या है, आपका मन है झूला उठा के चल दो, दैट इज़ वट आई फील, दैट इज़ वाई आई डू वट एवर आई डू। एंड या स्टिल अभी भी काफ़ी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, ट्रू, बट उतना नहीं, अभी आपके ऊपर सिर्फ आपका कंट्रोल होता है, ओके सो या वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट हिट इट, है ना, ओके या देन बाय बाय हे एवरीवन, बाय, ओके या सी यू देन, विल मीट इन सम न्यू ब्लॉग, न्यू प्लेस, ब्यूटीफुल वन, बेस्ट वन, बेटर वन, देयर आर सो मैनी प्लेसेस, ओके ये वी विल हेड टूवर्ड्स व्हाट वी कॉल, व्हाट इज द प्लेस नेम, हासन आई थिंक फर्स्ट, पर यहाँ से बाहर निकलेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे लोकल शॉप्स में कहीं पे, होटल होगा कोई छोटा सा, खाएंगे पियेंगे फिर निकलेंगे। अभी मैं सामान लेके जाता हूँ धीरे धीरे, बाइक पे बांधना है फिर वहाँ से निकलेंगे, बस उससे ज़्यादा कुछ। एंड या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।